इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवारा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान है, यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहां असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहां आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीम श्लीम क्लीम एमरम बम बम हम सम तम बम 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 हम सम सम तम तम जम जम जिम जिम छिम छिम द्रम द्रम द्रिम द्रिम द्रबे द्रबे नभरती भगवती श्रीमती ओम ह्रीम क्रम ओम पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पचे पचे ओम नमो वरहम झम झिपीम छिपीम हम सम झम बम हयासा छाम छीम छुम छे छे छौ छौ झम छा छिबीम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रे ह्रे ह्रो रूम रुबरा द्रम द्रीम द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते ठाठा समकम समस्तभम जीवनम श्रीअस्तु विधिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एव अस्माकं कर सिद्धार्थं सर्वविघ्नहरणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वगुप्रमिष्टपवित्रै नमो नमः। श्री शांतिवट्टारक पादपद प्रसादा सदर्म श्री बलरवि विधिरस्तु सुधर्म सुशिष परिशिष वर्गम सिदंतुनाहम ओम विस्मादय श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञः परम मंगल नाम धिया यम च सिद्धिं तन्वन्तु सधर्म कई सो यम च सिद्धिं पिछन्तु नः ओम नवृति भगवती श्रीमती श्रीमद शांतिना जी गुंथना जी रैना जी तीर्थंकराय श्रीम रत्नात्रय रूपाई दिव्य तेज मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताई द्वादश गण सहिताई अनंत चतुष्टय सहिताई समोषण केवल गण लक्ष्मी सुविताई अष्टादश दूसरेताई शचुताणी गुण संयुक्ताई परमेष्ठ पवित्राई सम्मी ज्ञानय स्वभवि सिद्धाय बुद्धियाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार जग परिवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वासपदाय त्रिलोक वसन कराय सत्य ज्ञानय सत्यमयमडे बृहत फड़ा मंडल मंडिताय ऋषियारिगा सर्वभक्साभिगा प्रमुख चतुर्विध संघ उपसर्ग विनाशनाय घाधि गरम छैन कराय अजराय अभय अस्माकम शांति धनकर्ता परिवारस पवन जी विजय जी विकास जी उड़ीसा वाला परिवार सा परिवारस सुमरन जी लवली जी किया जी रोहन जी इंदौर वाला परिवार समस्त परिवारस अरविंद जी यश जी कीर्ति जी समस्त भोपाल वाला परिवार सा परिवारस संतीश जी प्रमोद जी नाथूराम जी छतरपुर वाला परिवार सा परिवारस पवन जी संध्या जी मड़ावरा वाला परिवार सा परिवारस शांतिधारा कथा परिवारस रमेश जी जबलपुर वाला परिवार सा परिवारस चौधरी पदम जी आदर्श जी अनीता जी पल्लवी जी उदयचंद जी स्वास्थावर्धम खुरई वाला परिवार सा परिवारस अनुव जी स्वास्थावर्धम अजीत जी समस्त सागर वाले परिवार सा परिवार समस्त भवजीवनम व्याधिम गणेतो व्याधिम गणेतो व्याधिम गणेतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद सेवकानम सर्वदोष रोग सुख भय पीड़ाभिनस्तम भवतु ओम नवरते भगवते पिशिना से दोष कनम सही दिव्य तेज मोते नमः श्री शांतिनाथ विघ्न बनाई सर्व रोगां विदु विनाशनाय सर्व उपद्रव विनाशनाय सर्वेश्व शांति कराय ओम राम ह्रीं रुबरा सेव सनम मम सर्विद शांति गुरु गुरु तुष्टिम पुष्टिम गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरमस्य अवसानात् विद्धये नमो नितानम रौं सर्वशान्तिं कुरुकुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलेत्मा सुमप्पं दीनं वीरं शरीरं निरूपं पुनीत्वा तनुजकीर्तिं श्रीतिं वृद्धिं समृद्धिं पिदतु त्रिनिष्ठै दुचै प्रतापं कांतिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगत्वा मुक्त्वा शान्तिधारा सम्पूज्यखानं प्रतिपालिखानं यतीन्द्रियसामन्वितपोधनानं देशस्य राष्ट्रशिवरस्य राज्ञा कैरोतो शान्तिं भगवञ्जिनेन्दा कैरोतो शान्तिं भगवञ्जिनेन्दा कैरोतो शान्तिं भगवञ्जिनेन्द्रः ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं जीं गुणवृक्षरक् सर्वरुमरसर्वसिद्धदाय शान्तिनाजेन्द्राय नमः मुद्रा स्थापनं करोमि कालो भक्ता मेरे चे विशेष पूजा सुयोग्य चे हाथों में दीपक लेके आ
जिंदगी में किसी से कोई सलाह नहीं ली। किसी मार्ग पर जाते समय मैंने किसी से परामर्श नहीं किया, मैं किसी से सलाह ली भी नहीं। मोक्ष मार्ग पर भी गया तब भी किसी से परामर्श नहीं किया। मात मेरे परामर्शदाता कोई हैं तो ये शांति कुंत अरयनाथ भगवान। इनके सामने जब भी नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ता था और जो भाव आता था वही कर बैठता था और सफलता आज तक मिलती आई कभी मिली। इसलिए अशोक जी से मैंने कहा था, मैंने कहा मेरे से मत पूछो, इस मंदिर का नियम मत तोड़ो। इस भूमि का नियम है कि यहाँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं, नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ो, जो भाव आ जाए वही सत्य है और वही सीख। कभी भी हमेशा इनका पूछ करके ही बोलते, मैंने कि बस दो तीन बार तो ओंठ हिले लेकिन शांतिनाथ कहते चुप चुप बैठ। जब ये बार बार पूछ रहे थे बोले महाराज जी मैं पूछ रहा हूँ, कमेटी वाले थोड़ी पूरा, तो मैं तुरंत शांतिनाथ भगवान से पूछ रहा था कि भगवान क्या करूँ, दबाव ज़्यादा पड़ रहा है। तो शांतिनाथ भगवान ने कहा चुप, तुम बोलो हम चुप पे ही चाओ। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत शक्ति इस क्षेत्र की है। मूर्तियों से भी बहुत शक्तिमान यहाँ की माटी है, यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ की भूमि है। पाणा साहेब ने जब इतनी बड़ी स्थिति समझ करके, राजस्थान से उनका व्यापार था और वो यहाँ ला करके अपने रास्तों में जिन जिन रास्तों से वो गुजरे वहीं वहीं जिनबिंब स्थापित करते गए। जब उन्होंने इस भूमि को चुना होगा सैकड़ों साल पहले, तभी उस भूमि ने अपनी एक ऐसी एनर्जी, समय समय पर उतार चढ़ाव होते हैं, आज इस भूमि का जो सैकड़ों साल पहले एनर्जी को शुरुआत की गई थी आज वह रोशनी बनकर के दुनिया के बीच में आएगी। और ये भी कहता हूँ मेरे बिना बोले ही यह विश्व का बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनेगा। इस क्षेत्र की यही अतिशय होगा कि सारे दुनिया के क्षेत्र तो बोलने के बाद बनेंगे, बनते हैं, ये क्षेत्र मेरे बिना बोले बनेगा, ऐसी मुझे उम्मीद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा जिला सागर मध्य प्रदेश।